भारत ने कोरोना वायरस को काफी हद तक काबू में किया है और तीसरी लहर से अभी भी देश बचा हुआ है। देश में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। दुनिया में इस महामारी को आए हुए 2 साल होने वाले हैं और आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इसका विकट रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। शुक्रवार को ताजा अपडेट के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों की अवधि में 12,516 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए। इसके साथ ही देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 3,44,14,186 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,37,416 हो गए, जो 267 दिनों में सबसे कम है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 501 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,62,690 हो गई है। पिछले दिनों के मुकाबले में मरने वालों की संख्या में काफी उछाल आया है। बीते दिन 340 लोगों की मौत हुई थी। नए कोरोना वायरस संक्रमणों की दैनिक वृद्धि 35 सीधे दिनों के लिए 20,000 से नीचे रही और लगातार 138 दिनों से 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आए।